my baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Hey guys, hi, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ इस मेकअप लुक को शेयर करूंगी. सबसे पहले मैंने अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई किया है. ये है हुडा ब्यूटी का प्राइमर. अगर आपकी स्किन ड्राई है देन ये प्राइमर आपके लिए बेस्ट है. उसके बाद मैंने लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन अप्लाई किया है. ये फाउंडेशन शीयर टू मीडियम कवरेज देता है. और अगर आप बिगिनर है, आपके पास ज़्यादा मेकअप टूल्स नहीं है, तो आप इस फाउंडेशन को ज़रूर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे हैंड से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ. और इसका जो कवरेज है वो आप देख सकते हैं. मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ जिसकी वजह से जो कलर्स है वो एकदम प्रोमिनेंट और एग्जैक्ट कलर्स दिख रहे हैं. उसके बाद मैंने मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया है और ये कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है. इसका भी थोड़ा सा कवरेज है. नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूंगी, जिसके लिए मैंने हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट इस्तेमाल किया है. उससे मैं ब्लैक आई शेडो लूँगी और उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी. एंड नेक्स्ट मैं अपने आई मेकअप की ओर बढ़ूंगी. आई मेकअप के लिए भी मैंने हुडा ब्यूटी का सेम आई शेडो पैलेट इस्तेमाल किया है और मैं अपना होल मेकअप जो है इसी पैलेट को इस्तेमाल करके करूंगी. मैंने छोटा सा आई शेडो ब्रश लिया है और अपने आउटर कॉर्नर्स पर इस ट्रांजिशन शेड को अप्लाई करूंगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसे ब्लेंड करूंगी. फिर मैंने रेड कलर को लिया है और मैं उसे आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूंगी स्मॉल ब्रश से, और एक बिग ब्रश से मैं उसे ब्लेंड करूंगी. ऐसे करके मैं जो इसका पिगमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी. एक बार में ही आप इसे अप्लाई मत कीजिए, फिर मैस हो सकता है. थोड़ा थोड़ा करके इसका जो कलर है वो आप ऐसे बिल्ड कीजिए. फिर मैंने ब्लैक कलर के आई शेडो को लिया है और उससे मैं एक आई लाइनर ड्रॉ करूंगी. सिर्फ अपने लैश लाइन को डिफाइन करूंगी और ये टेक्निक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडी है. अपने लोअर लैश लाइन पर मैं रेड कलर को अप्लाई करूंगी. उसके बाद मैंने ब्लैक कलर को अप्लाई किया है. आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टेक्निक है आई शेडो को एज एन आईलाइनर अप्लाई करना, ये काफ़ी ट्रेंडी है और बहुत अच्छा लग रहा है. एक स्मोकी लुक भी आ रही है और आई लैशेस जो है वो डिफाइन हो रहे हैं. नेक्स्ट मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है. थोड़ा सा अपने इनर हाफ पर मैंने इस शिमरी से शेड को अप्लाई किया है. अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट किया है एंड उसके बाद मैं अपने नोज कॉन्टूरिंग करूँगी एक कॉन्टूर पेंसिल से. ये एक बेसिक स्टेप है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं. मैंने इसी आई शेडो पैलेट से ही ब्लश चुना है और मैं ब्लश को अप्लाई करूंगी. आई जस्ट लव ब्लशेस और ये वाला जो ब्रश है ना, ये परफेक्ट है ब्लश अप्लाई करने के लिए. और इसमें थोड़ा सा शिमर भी है तो आप देख सकते हैं कि मुझे हाइलाइटर की कोई ज़रूरत नहीं है. मेबलिन का जो कोलोसल मस्कारा है उससे मैंने अपने लैशेस को कोट किया है. आप चाहे तो फॉल्सेस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बस अपने लैशेस को थोड़ा सा कर्ल करूंगी एंड दैट्स इट. फिर मैंने लिपस्टिक के लिए दो शेड पिक किए हैं. ये वाला न्यूड शेड है फ्रॉम द ब्रांड NYB एंड NYB का ये शेड नंबर 1 है. उसके बाद मैंने NYB का ही लिपस्टिक इस्तेमाल किया है. यह थोड़ा सा पिंक शेड, यह है शेड नंबर 3 एंड उसके बाद मैंने बिंदी अप्लाई किया है. एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक. होप यू ऑल लाइक दिस लुक. वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक एंड शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. लव यू ऑल. बाय बाय.